पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देश के दूर दराज के हिस्सों में ले जाकर मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है, जिन्होंने साक्षरता कक्षाओं से साक्षर होने के बाद सफलता का सफर तय किया है और आज भी आगे की ओर अग्रसर हैं। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले बिजनौर का। बिजनौर कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था और बाद में 1748 के करीब ये रुहेलों का गढ़ रहा। लेकिन इस जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हर जिले को पूर्ण साक्षर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा न जाने कितने ही साक्षरता कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। बिजनौर में नोडल केंद्र खोले गए और इन्हीं नोडल केंद्र में से एक लड़की साक्षर होकर आज 12वीं कक्षा की तैयारी में लगी है। उस लड़की का नाम है पूर्णिमा चंद्रा, जो मोहल्ला जाटान बिजनौर की रहने वाली है। उसके इस सफर को हम देखते हैं और चलते हैं बिजनौर। इन पतली और संकरी गलियों से होकर हमने तलाश की एक ऐसी लड़की की जिसने अपने बल पर अपनी किस्मत लिखने की कोशिश की। ये उस लड़की की कहानी है जो समाज में हाशिए पर है और जिसे समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ने के लिए सोचना भी एक गुनाह सा लगता है। मगर इस लड़की ने हर हालात पर फतेह हासिल करते हुए अपने फैसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। ये लड़की है पूर्णिमा चंद्रा, जिसे परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से ही अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। मगर हालात से मुकाबला करते हुए उसने कभी हार नहीं मानी और दिल में ये ख्वाहिश हमेशा रही कि खुदा कभी तो उसे अपने सपने पूरा करने का मौका देगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पड़ोस की ही रहने वाली आमना पूर्णिमा के पास आई और उससे खाली वक्त निकाल कर घर आने को कहा। जब पूर्णिमा ने आमना बाजी से बात की तो उन्होंने उसे अपने द्वारा शुरू की गई साक्षरता कक्षाओं के बारे में बताया और कहा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो थोड़ा वक्त निकाल कर मेरे घर आकर पढ़ सकती हो, जिससे तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हो। ये सुनकर पूर्णिमा को उनकी कही बातों पर यकीन नहीं हुआ, मगर आमना ने, जो कि प्रेरक के रूप में काम कर रही थी, उसे सारी बातें बताई और फिर पूर्णिमा ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू की। मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैंने जिस हालात में अपनी पढ़ाई करी थी वो हमें ही पता है या मेरे मम्मी पापा को पता है, लेकिन कुछ वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो फिर हमारे मोहल्ले में एक सेंटर खुला, नंबर वन है, केंद्र संख्या एक है, वो साक्षरता कहलाता है। वहाँ पर मैं गई, उन्होंने, बाजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। दो दीदी रहती हैं हमारी, से प्रेरक और प्रेरक, उन्होंने ये कहा कि पढ़ना आज के उसमें बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब पढ़ाई किसी की भी उम्र में कर सकते हो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। पूर्णिमा, जिसके घर में मूंगफली भूनकर और खील बेचकर घर का पालन पोषण होता है, घर में सबसे बड़ी होने के नाते ज्यादातर काम उसे स्वयं ही करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। काम मुश्किल जरूर था, मगर उसने आगे उठाए हुए कदम को कभी वापस नहीं लिया। उसने घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ रोज कक्षाओं में जाना और पीछे छूटे सपनों को हासिल करने की कवायद जारी रखी। ये करना आसान बिल्कुल नहीं था, मगर परिवार के सहयोग और कक्षाओं में आमना बाजी के प्रोत्साहन से उसने कभी अपनी इस हिम्मत को टूटने नहीं दिया। थोड़ा चलाई भूनी मैंने लड्डू में, जो नवरात्र में हमारे यहाँ होती है वो चलाई भूनी, उसके पैसे इकट्ठे करे, फिर थोड़ा सा पोलियो में भी हिम्मत करके काम करी। पहले आता नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से पैसे इकट्ठे करे, फिर मैंने पढ़ाई चालू करी। थोड़ी किताब लेके आ जाती थी घर पर, वो पढ़ती थी। फोर्थ में थी वो, तो उसने पढ़ाई छोड़ चुकी थी। अब वो जब हो गई है काफ़ी साल की, तो उसको लगा कि मैं नहीं पढ़ सकती। फिर मैंने उसको सेंटर पे बुलाया, पहले सिलाई वगैरह ही सीखती थी वो। फिर उसको मैंने समझाने के बाद, दीदी ने समझाया, मैंने समझाया, तो उसने कोशिश की। फिर उसने एक्स्ट्रा टाइम में भी, जैसे हमारी भाभी हैं ऊपर BSc कर रहे हैं, उनके पास बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, रात के टाइम आकर मुझसे पूछ लिया, किसे पूछ लिया, तो उससे ऐसा हुआ कि उस पढ़ाई में आगे बढ़ी वो, उसने हाई स्कूल कम्प्लीट अभी किया है। जब कक्षाओं के कुछ लोगों को लगा कि अगर इनसे हमें कुछ और भी फायदा हो जिससे कुछ कमाई की जा सके,
तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन कक्षाओं में वही लोग थे जो ज्यादातर काम करके अपना गुजारा करते थे। जब ऐसे सवाल प्रेरक आमना से लाभार्थियों ने कहे तो उन्होंने कुछ नए नए काम महिलाओं को सिखाने की शुरुआत की। कढ़ाई करना, सिलाई करना, मेहंदी लगाना, चौलाई के लड्डू बनाना, अचार मुरब्बा बनाने जैसी बहुत सी चीजों की शुरुआत की गई। इससे ये हुआ कि जिन लाभार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि कम हो रही थी वो अब एक अलग जोश के साथ साक्षरता कक्षाओं में आने लगे। अब पढ़ाई के साथ वो नई नई चीजें बनाना भी सीखने लगे। इसमें पूर्णिमा भी किसी से पीछे नहीं रही और उसने बहुत सारी चीजें घर बैठे ही बनाना सीख ली। उससे फायदा ये हुआ कि खाली वक्त में चौलाई के लड्डू बनाकर वो मार्केट में बेच देती, जिससे कुछ पैसे की कमाई भी होने लगी। उसके साथ ही उसने और भी बहुत सारी चीजें बनाना सीख ली। ये वो शुरुआत थी जिसको वो बहुत पहले शुरू करना चाहती थी, मगर वक्त ने उसके पैरों में वो बेड़ियां डाल दी थी जिससे निकलने में उसे वक्त लग गया। उन्होंने सिखाई चलाई मुन्नी, फिर मैंने लड्डू बनाने आपको भी उनको भी खिलाए थे जो सर आए थे हमारे, और मतलब उसको बेच के भी 40 रुपए किलो बेचते हैं तो उसमें ही मुनाफा होता है, 10-5 रुपए तो मिलते ही हैं। और मूँगफली भी हमने सीखी अपने ही मोहल्ले में, और सब करते तो हमारी भी दिल करा करने के लिए कि कुछ करें, इसलिए मूँगफली बेच के भी हमें इतना पैसा मिल जाता है जो घर का अपना काम चल जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। पूर्णिमा ने अपने सफर पर कदम बढ़ाकर कभी पीछे नहीं किए और उसी पर चलते चलते वो आज 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की तैयारी में जुटी है। ऐसा भी नहीं है कि वक्त ने उसके लिए अपना रुख बदल लिया हो। समय की नाजुक घड़ी आज भी नहीं बीती है, मगर अगर कुछ बदला है तो वो ये कि आज वो इन हालातों से लड़ना सीख चुकी है। उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि जिंदगी में आगे आने वाली हर मुश्किल से वो मुकाबला कर सके, अपने अधिकारों को भीख की तरह ना मांगकर हक के साथ मांग सके, समाज में अपना सिर गर्व से उठाकर चल सके। पूर्णिमा की शिक्षा के प्रति लगन को देखकर उसकी प्रेरक आमना भी उसकी तारीफ करना नहीं भूलती। हमने ये फर्क देखा है कि एक तो पढ़ाई के लिए उत्सुकता जागी है उनकी, दूसरा यह है कि कारोबार के लिए जैसे ये लोग, इनके यहाँ भट्टी का काम होता है, शुरू से ही होता है, खानदानी काम है, तो लड़कियाँ नहीं बैठती थी। हमने उनसे कहा कि तुम्हें भी करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ये भूनने भी लगी हैं। और जैसे कि हमने और चीज़ें सिखाई हैं, चौलाई के लड्डू हैं या मेहंदी का है या सिलाई उलाई का है, बुनाई का है, तो उससे ये लोग जो है अपना कुछ कमाई का भी कर लेते हैं। घर का काम हो या माँ की मदद करनी हो, या बहन भाइयों को पढ़ाने की बात हो, या फिर खुद की पढ़ाई करनी हो, वो कभी पीछे नहीं हटती। हर काम को अपने पूरे मन और पूरी लगन से करती है। इन दिनों जबकि वो अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसके बावजूद घर में जीविकोपार्जन करने के लिए जितने साधन हैं, वो उनमें मशगूल रहती है। फिर चाहे मूंगफली भूननी हो, कागज की थैली बनाना हो। कागज की थैली बनाना भी पूर्णिमा ने अपनी प्रेरक आमना से साक्षरता कक्षाओं के दौरान सीखा, जो आज उसके लिए कमाई का साधन बन गया है। उसकी ये कामयाबी उसके हौसलों की बुलंदी को बयां करती है। उसके दृढ़ संकल्प, उसकी मेहनत और साक्षरता कार्यक्रमों की मदद से आज वो इस लायक बन गई है कि अब वो अपनी किस्मत की पगडंडी खुद बना सकती है और अपने बहन भाइयों को भी एक सही रास्ता दिखा सकती है। आज अपने परिवार के लोगों को इस गरीबी और अशिक्षा से निकालकर शिक्षा की ओर लेकर चलने की उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। पूर्णिमा ने शिक्षा के प्रति अपनी लगन को तो हर कदम दर्शाया है, हर कदम कामयाबी की तरफ उठाया है, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म के जरिए जिसके चलते वो आज अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाई है। हम बस पूर्णिमा जैसी जिंदगी को सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये जिंदगी सलाम जिंदगी। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा जज्बा। पूर्णिमा ने हिम्मत हारे बिना अपनी सारी मुश्किलात को आसान कर दिखाया। पूर्णिमा ने अपने आप को साक्षर तो किया ही, उसके साथ ही आज वो परिवार की मदद करने के लायक भी बन गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने हर निरक्षर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे न जाने कितने ही निरक्षर साक्षर होकर अपनी हसरतों को पूरा कर रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक इंसान से जो उम्र के एक ऐसे पड़ाव में साक्षर हुए जब व्यक्ति इस बारे में सोचना भी छोड़ दे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रहने वाले माता दीन यादव, जो ग्राम जेवरा मौरा में पैदा हुए और यहीं पले बढ़े, मगर जीवन में कभी भी स्कूल जाने का मौका उन्हें नहीं मिला और उनके निरक्षर होने की यही वजह रही।
मगर उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाई गई साक्षरता कक्षाओं से साक्षर होकर अपने ऊपर लगे निरक्षरता के इस धब्बे को धो डाला। माता दीन यादव ने ये सब कैसे हासिल किया, कैसे वो साक्षरता कक्षाओं तक पहुंचे और कैसे आज लोगों को साक्षरता की ओर लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं जेवरा मोरा और मिलते हैं माता दीन यादव से। मनुष्य के जीवन पर गौर करें तो ये अलग अलग घटनाओं अच्छे बुरे अनुभवों से भरा होता है। फर्क इतना होता है कि किसी की जिंदगी में ये हादसे कम होते हैं तो किसी के जीवन में ज्यादा। ऐसे ही एक इंसान है माता दीन यादव, जिन्हें गांव में मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ जाने का दुख सहना पड़ा। माता पिता के जाने के बाद अनाथ जैसी स्थिति में चाचा चाची से सहारा मांगकर चरवाहे के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। जिस इंसान ने मोहल्ले के पशुओं को चराकर खाना नसीब किया हो, उनकी इस निर्धनता ने उनसे पढ़ने लिखने का अवसर छीन लिया। छोटे ही मेरे पिता और माँ गुजर चुके थे, पालन पोषण चाचा चाची की हाँ हुआ तो मोहल्ले की ढोल चढ़ाने लगा। क्यों कि मेरा कोई साथी नहीं था, मेरा कोई साधन नहीं था और जहाँ वो भेज दी वहीं जाने पड़े, मोहल्ले का ढोल चढ़ा जाओ। गांव के साथियों को स्कूल जाते देख उनके दिल में तकलीफ जरूर रहती। मगर खुद को साक्षर करने की हसरत उनके दिल में कहीं किसी कोने में दबी थी। जब गांव में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता कक्षाएं लगानी शुरू की गईं, तो अपने पढ़ने के शौक के चलते इन्होंने अपना नामांकन कराया और पढ़ना लिखना शुरू किया। इन्होंने अपने घर में ही लिख लिख कर कड़ी मेहनत की और जल्द ही लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी मुलाकात हमारी केवल तिवारी परिवार से, जो लोग हमारे दुख में सहाय भी लोग थे। फिर उनकी पढ़ाई को देख के मैंने कक्का कैसे पढ़े, विनीत जी हैं जो हमारे दामोदर प्रभु तिवारी जी हैं, इनसे हमारा ज़्यादातर घर से बढ़ के इसने था। फिर हम जो इन वो कक्का चाचा बोले कक्का बोले तो तिवारी जी से मुझे प्रोफेसर में किताबें आ रही तो उससे संपर्क करा दो। मैंने श्रीमान जी और साक्षरता वालों से संपर्क साधा। मुखिया जी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये गाने के शौकीन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी आवाज के मालिक भी हैं, जिसके चलते इन्होंने बुंदेली भागों का विशेष अभ्यास कर अनगिनत भाग पढ़ पढ़कर याद कर लिए और गांव के साथ गांव के बाहर के कार्यक्रमों में गाकर सम्मान पाया और मुखिया की उपाधि भी वहीं से हासिल हुई। अरे अनपढ़ भैया रहो न जग में, अनपढ़ भैया रहो न जग में, छुटुआ बड़ोआ पढ़ लइयो तुम स्कूल पहुँचा लइयो, अपने अपने भाई बहन को तुम स्कूल पहुँचा दइयो, छुटुआ बड़ोआ पढ़ लइयो सीख निरक्षर तुम रहो न भाई, उसमें होबे हसी तुम्हारी, ए आई ओ औ तुम सबे सुहाई। अरे काखा गागा पढ़ो रात दिन काखा गागा। साक्षरता से अपना राब्ता कायम करते हुए पढ़ना बढ़ना आंदोलन साक्षरता अभियान के दौरान जिला साक्षरता समिति टीकमगढ़ के जरिए ये कला मंडल से भी जुड़े और अपने गीतों से साक्षरता की अलग जगाने निकल पड़े। आज माता दीन यादव स्वयं तो साक्षर है ही और इसके साथ साथ वो पूरे गांव को जागरूक करने में लगे हुए हैं। आज अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग मकाम हासिल किया है। साक्षरता गीत हो या भाग, ये सभी को अपने हाथ से लिख कर याद करते हैं और इन गीतों का रियाज भी अपने घर पर ही करके पूरे गांव में निकल पड़ते हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने। मुझे फाग में गाड़ी में कीर्तन में रुचि जाने बड़ी तो हमारे परिवार में जो चाचा का लड़का था ना, तो मैं जिसकी ढोल चलती तो वो ले जाते गज्जा भी आनी ना,
तो उसकी उंगली मिलती थी चौई भर अनाज आठ आना दो आना एक दस पैसा मिलते थे। फिर लेके वो जूसा गया, मैं दिलधड़ा के बाजार गया, दिलधड़ा के बाजार से मैंने किताबें खरीदी। खाने पीने कुछ नहीं, मुझे शौक था गाने का, मान लो उसको कि हम जो फाग गाए गाई गाए कीर्तन गाए, तो मैंने वो किताबें खरीदी। हनुमान जी के भक्त होने के नाते गांव के ही मंदिर में जाकर ये पूर्ण शांति में बैठते हैं और वहीं पर पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला चलता रहता है। आज माता दीन यादव अपने गांव में एक शख्सियत सी बन गए हैं। आज पूरे गांव में घूम घूम कर ये बच्चों बड़ों सभी को जागरूक करने की कोशिश में लगे हैं। ये पूरे गांव को साक्षर करने का संकल्प लिए हुए हैं। गांव की प्रौढ़ महिलाओं और पुरुषों को ये पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। गांव के बच्चों को स्कूल जाने और अच्छी बातें सीखने के लिए और जीवन में एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करना ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। जिस इंसान ने इतनी गरीबी और मुफलिसी से निकलकर अपने आप को जो मकाम दिलाया है वो मुश्किल से ही लोग कर पाते हैं। आज भी जब मुखिया जी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं या उसका कोई जिक्र निकल आता है तो वो अपने आंसुओं को रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। इन आंसुओं की कीमत शायद हर इंसान न समझ सके, मगर इस इंसान ने साक्षरता के जरिए ही अपने जीवन को ये रूप देने में सफलता पाई है और इनका प्रण यही है कि ये आखिरी सांस तक साक्षरता कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। इसे कहते हैं हिम्मत, लगन और पूर्ण समर्पण। माता दीन ने अपने आप को साक्षर करते हुए अपने क्षेत्र में एक नाम हासिल कर लिया। अपने जीवन को साक्षरता जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर साक्षरता की ओर लोगों को लाने का प्रयास किया। माता दीन यादव जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो साक्षरता से जुड़कर साक्षर हो रहे हैं और साथ ही निरक्षरों को साक्षर कर रहे हैं। झारखंड की ऐसी ही एक लड़की है दीपिका पाठक, जो इन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़कर निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने में लगी है। पलामू जिला उन्हीं 150 जिलों की श्रेणी में आता है जो पिछड़ी साक्षरता दर में चयनित किए गए। 2001 में इस जिले की साक्षरता दर 43.35 थी, जिसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय रही। इस जिले में महिला साक्षरता दर मात्र 30.5% थी। दीपिका पाठक, जो झारखंड के पलामू जिले के एक छोटे से गांव पनेरी बांध की रहने वाली हैं, देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए कैसे वो निरक्षर महिलाओं को साक्षर कर रही हैं, किस तरह से अपने पढ़ने और पढ़ाने के सफर को आगे बढ़ा रही हैं, इसे जानने के लिए चलते हैं पलामू। कहते हैं कि बच्चों के लिए उनका पहला स्कूल अपना घर होता है और टीचर होते हैं अपने ही माता पिता। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने घर से ही सीखकर बड़े होते हैं। ऐसी ही एक बच्ची है दीपिका पाठक, जो पनेरी बांध जिला पलामू की रहने वाली है। दीपिका और साक्षरता का नाता तब से है जब वो अपनी माँ की गोद में चढ़कर गांव-गांव घूमकर साक्षरता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करती थी। दीपिका की माँ अनीता मिश्रा शुरू से ही साक्षरता कक्षाओं से जुड़ी थी, इसलिए बचपन से ही साक्षरता के प्रति उसकी रुचि थी और वो साक्षरता कार्यक्रमों को देखते हुए बड़ी हुई थी और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को साक्षरता के प्रति समर्पित करना चाहती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई और माँ को साक्षरता से जुड़े देखा तो उसने भी अपने आप को साक्षरता से जोड़ लिया। जब हम बचपन में 2 साल के थे तो हमारी मम्मी साक्षरता से ही जुड़ी हुई है, तो हमें ले जाया करती थी। और जब हम मतलब 3-4 साल के हुए तो जो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक होता था उसमें हमको रखा जाता था। फिर जब हम मैं होश आया तो उसके बाद देखे हम मम्मी को अपना कि मम्मी मेरी बहुत जाती है, इधर उधर गांव में जाती है और उस लोग को बोलती है कि आप लोग पढ़िए, तो फिर हमको भी लगा कि हमको भी पढ़ाना चाहिए। तो हम मम्मी से पूछे तो मम्मी हमको बोली कि हाँ ठीक है, तुम भी पढ़ाओ। मेरी बेटी 2 साल की थी और वह 7 साल जाया करती थी और उसी समय से उसका रोल शुरू हो गया। एक नाटक था औरत, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे नाटक में और यह भी उतना ही छोटी थी। और उस समय जब नाटक में बोल आया कि उसके सारे बच्चे रो रहे हैं, उसमें यह भी रोना शुरू कर दी थी। उस समय से सभी लोग कहने लगे कि यह रोल ले रही है और धीरे धीरे यह जुड़ती गई। जिस तरह से मैं काम करती थी साथ में यह भी करती थी। मेरी बेटी दीपिका जब बड़ी होते गई तो वह साक्षरता अभियान में जुड़ते गई, नाटक गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने लगी। क्योंकि दीपिका की माँ की एक अच्छी पहचान थी, इसलिए
उसे निरक्षर महिलाओं को इकट्ठा करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई। उसने हर महिला को साक्षरता के महत्व के बारे में अवगत कराया और उसी के कारण उसने अपने घर के आंगन में ही केंद्र लगाने का फैसला किया। साक्षरता की ये पहल वाकई काबिले तारीफ थी। जहाँ उसकी माँ दूर दूर गाँव में जाकर निरक्षर महिलाओं और पुरुषों को साक्षर कर रही थी, वहीं दीपिका ने अपने ही घर के आंगन में पेड़ के नीचे इन कक्षाओं का आगाज किया और गांव की निरक्षर महिलाएं यहां कक्षाओं में आकर साक्षर हो रही थीं। ये गांव की वो महिलाएं थीं जिन्होंने कभी भी शिक्षा जैसी चीजों के बारे में सुना ही था, कभी किताब को हाथ में लेकर महसूस नहीं किया था। हर महिला की अपनी एक अलग कहानी थी जिसके कारण साक्षर होना तो दूर, उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था, मगर दीपिका ने इन निरक्षर महिलाओं को घरों से निकालकर साक्षरता कक्षाओं में लाकर उस एहसास को जगा दिया जिसको उन्हें बचपन में महसूस करना चाहिए था। फिर इन लोगों को हम बताया कि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो चूल्हा चौखट तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आप सब जगह जा सकेंगी, सबसे बातें कर सकेंगी। फिर लोगों को हम समझाए, उसके बाद मतलब इन लोगों को घर से भी बहुत परेशानी हुआ, घर से परिवार बहुत रोके कि नहीं तुम लोग को पढ़ने नहीं जाना है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो समझाते समझाते फिर ये लोग भी समझने लगे कि पढ़ना लिखना जरूरी है, तो ये लोग भी अपने घर से सबको समझा समझा कर आने लगे और हम लोगों को पढ़ाने लगे। हमने पढ़ा लिखा पर ध्यान दिए, पहले डरते थे, बोलते थे नहीं, अपने लिखा ढुक करने लगे, अपना बोल बतिया में शरमाते थे, हम शरमाएंगे नहीं, कोई से डिक्लेयर से बात करते हैं, कहाँ फिर हम गिर जाते हैं, कोई भी नहीं जाते हैं, पहले छुप कर चौकट के अंदर से बात करते थे, अब चौकट से बाहर निकले निकल ढूक सब कर रहे हैं, बाल बजा कर सोच रहे हैं पढ़ाने लिखाने, पढ़ाई वढ़ाई पर बैठा दिए हैं, फिर हम लोग भी बैठ गए। दीपिका इन महिलाओं को हर बात बड़े ही अनोखे ढंग से समझाती थी, अपने क्षेत्र की ही भाषा में इतने असरदार तरीके से बताती थी जिससे हर महिला को हर बात आसानी से समझ आ जाती थी। आज के लिए तो रवनी के नादान बेटी के शादी हम समझा देली, आज ला इतना ही बा। और घरे जाके रवनी सब कोई चर्चा कर अब की नादान बेटी के शादी नहीं करे के चाहिए, सब गांव घर में सबके बताए जे नहीं खन आइलू सबके, और बड़ी देरी से आवली तनी जल्दी आई। इससे महिलाओं में साक्षरता के प्रति और रुचि पैदा हुई और ये महिलाएं निरंतर कक्षाओं में आती रहीं। अपनी मेहनत और लगन से आज वो लगभग 10 महिलाओं को साक्षर कर चुकी हैं और अभी भी कक्षाओं में लगभग 12 महिलाओं को साक्षर कर रही हैं। अपने कॉलेज से लेकर हर गांव का सफर वो अपनी छोटी सी साइकिल पर करती है। किताबों के बाद उसका अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो है उसकी ये साइकिल जो उसके हर सफर की गवाह रही है। आज उसकी इस कामयाबी पर उसके माता पिता गर्व से बताते हैं। वह रूटीन वर्क से करती है, सुबह 4 बजे उठती है और पूरा झाड़ू पोछा भी करती है, मेरा तो आधा से अधिक भार उठा ली है। उसके बाद 7 बजे तक तैयार हो जाती है और वह तैयार होकर स्कूल में करती है और स्कूल के बाद 11 बजे वह कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से 3-4 बजे लौटती है और शाम में महिलाओं को पढ़ाती है और फिर पढ़ाने के बाद खाना बनाती है। आज उनकी बेटी उसी रास्ते पर चलकर निरक्षरों को साक्षर करके उन्हें सफलता का रास्ता दिखा रही है। इसमें उसे हर कदम मदद मिली है जिला साक्षरता समिति की। ये महिलाएं वो हैं जिन्हें अपने अधिकारों की बात तो दूर, अपने आसपास घट रही किसी भी घटना का कोई अंदाजा तक नहीं था। अब चाहे बात हो बैंक जाने की या फिर किसी से कोई बात करने की, ये स्वयं ये सब काम कर लेती हैं। ये आज अपने आप को एक बेहतर और जागरूक महिला बना चुकी हैं। इसका श्रेय जाता है दीपिका पाठक को, जो आज भी निरक्षर महिलाओं को समझाने के साथ साथ उन्हें साक्षरता केंद्र पर आने की निरंतर सलाह दे रही हैं और अपने मकसद को एक सच का जामा पहना रही हैं। यदि देश का हर नागरिक साक्षरता से जुड़कर निरक्षरों को इस दलदल से निकालने की कोशिश करे तो देश कुछ ही साल में पूर्ण साक्षर होने के साथ साथ सफलताओं की बुलंदियों पर होगा। बस जरूरत है चंद दीपिका जैसे होनहार लोगों की जो किसी के जीवन को कोई दिशा दे सकें। दीपिका ने अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए साक्षरता से जुड़कर न जाने कितने ही निरक्षरों को अंधकार से निकालकर उन्हें साक्षरता जैसी रोशनी की किरण दिखाई है।
इन साक्षरता कार्यक्रम और दीपिका की मेहनत से न जाने कितने ही लोग सही तरीके से अपना जीवन गुजारने में सक्षम हो पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपको सैर कराएंगे देश के अन्य राज्यों की, जहां साक्षरता कक्षाओं के माध्यम से न जाने कितने ही निरक्षर साक्षर होकर अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों, कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है, मंजिलें और भी हैं, मंजिलें